हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि पद वृद्धि को लेकर लगातार संघर्ष जारी है, चाहे वर्ग एक की बात करें चाहे वर्ग दो की बात करें। आज बात करेंगे दोस्तों कुछ भाषा को लेकर। दोस्तों, न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, छात्र क्लास में हेडफोन लगाकर सुन सकेंगे लाइव अनुवाद, शिक्षक क्लास में अंग्रेजी में देंगे लेक्चरर, विद्यार्थी मातृभाषा में सुन सकेंगे उसका लाइव अनुवाद। दोस्तों, तो भाषा को लेकर दोस्तों कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है कि अब जो है अनुवाद करना पड़ेगा। हम बात करें तो हमारे जो मेन चार भाषाएं हैं जिन पर वैकेंसी निकाली गई थी, आपकी उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है दोस्तों। और तीन जो भाषाएं हैं, संस्कृत की बात करें या फिर उसके बाद हिंदी के पद देखें या फिर उर्दू के पद देखें, बहुत कम पद हैं यहाँ पर। यदि आप देखेंगे तो रीजनल भाषा में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। अब क्लासरूम में शिक्षक अंग्रेजी में लेक्चरर देंगे और सामने बैठे छात्र रीजनल या मातृभाषा में लाइव अनुवाद सुन सकेंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और अन्य कोर्स की पढ़ाई। तो दोस्तों, यहाँ पर बढ़ावा तो मिल रहा है कि जो है मातृभाषा में पढ़ाई हो या उसका अनुवाद हो, लेकिन वही शिक्षा भर्ती की बात करें वहाँ पर ये विषय ही उपेक्षित रहे। दोस्तों, हम उर्दू की बात करें या बात करें आपके हिंदी की या बात करें हम संस्कृत की या फिर इंग्लिश की, भी काफ़ी पद खाली हैं। लेकिन जो तीन लैंग्वेज हैं जो कि भारतीय भाषाओं में आती हैं, संस्कृत आपके, हिंदी, उर्दू, ये दोस्तों आप स्वयं देख सकते हैं कि कितने पोस्ट इनकी निकली हुई हैं। और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है विज्ञान से रिलेटेड है, तो विज्ञान की भी आप देखें, उसके बाद सामाजिक विज्ञान और मैथ की भी काफ़ी पोस्टें खाली हैं। वर्ग एक की बात करें, काफ़ी पोस्टें खाली हैं, उससे कम निकाली गई हैं। यदि आप ये पूरा की पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो एक ही बात निकल के सामने आती है कि आगे चलकर दोस्तों हिंदी को समझने के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी जहाँ पर बच्चे उसमें कंफर्टेबल हो सकें, क्योंकि हिंदी के उतने पद नहीं आ रहे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें बच्चों की हिंदी अच्छी ही होगी? आप कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत अच्छी ही होगी या फिर उर्दू के जब टीचर्स उस हिसाब से नहीं होंगे तो वो उसमें अच्छे नंबर ला पाएंगे? क्योंकि ये तीन लैंग्वेज जो हैं इनके पद बहुत कम हैं, और ख़ासकर उर्दू और हिंदी के तो पद सबसे ही कम हैं भाषा की बात करें तो। साथ में विज्ञान ले लें, सामाजिक विज्ञान ले लें, मैथ ले लें, भाषा के अलावा इनके भी वर्ग दो में कितने पद हैं, इससे ज़्यादा खाली हैं, बिल्कुल आने चाहिए। और इन सभी उपेक्षित विषय में और सभी विषयों को लेकर जो है विरोध एवं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों, जिसकी न्यूज मैं इस में ले आया हूँ। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, शेयर करें और सपोर्ट भी करें दोस्तों। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि आप जो भी कहेंगे उसी अनुसार जो आगे की मुहिम होती है वो अपडेट होती है और आपके सहयोग से सफलता भी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।